एक लड़की की शादी हुई शादी की पहली रात दूल्हा खाने का बड़ा सा थाली कमरे में दाखिल होता है और खाने से बड़ी खुशबू आ रही होती है कहने लगा आओ खाना खाते हैं। बीवी बोली मैंने देखा है तुम्हारी वालिदा ने भी खाना नहीं खाया उनको भी बुला लो फिर मिलकर खाना खाते हैं शोहर ने कहा वो सो गई होगी उन्हें छोड़ो हम दोनों खाना खाते हैं बीवी इसरार करती रही पर वो इसी बात पर बाजिद रहा कि अम्मी को रहने दो जब बीवी ने शोहर का ये रवैया देखा तो उसी वक्त तलाक का मुतालबा कर दिया शोहर बड़ा हैरान हुआ और उसके मुतालबे पर उसने बड़ा समझाया लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही यहाँ तक कि तलाक हो जाती है दोनों अलग हो जाते हैं फिर दोनों ने दूसरी शादियाँ कर ली तेईस पैंतीस साल गुजर गए औरत के बेटे हुए बहुत मोहब्बत करने वाले माँ का ख्याल रखने वाले बहुत असुदा हाल थी वो उसने इरादा किया कि अब हज करना चाहिए सफर के दौरान उसके बेटे उससे ऐसे पेश आ रहे थे कि जैसे लोग अपनी मलका से पेश आया करते हैं पाँव जमीन पर नहीं लगने दिया करते थे सहराई सफर था और रास्ते में एक आदमी पर नजर पड़ी जो बहुत बुरी हालत में फूका था प्यासा था और बाल खिचड़ी बने हुए थे कपड़े पुराने थे उस औरत ने बेटों से कहा का बेटा जाओ देखो ये कौन मुसाफिर है इसे उठाओ हाथ मुंह धुलाकर खाना खिलाओ पानी पिलाओ चुनाचे बेटे गए माँ ने जैसे कहा था वैसा ही किया औरत की जब उस पर नजर पड़ी तो जान गई वो उसका पहला शौहर था और कहने लगी ये क्या कर दिया वक्त ने तुम्हारे साथ बोला मेरी औलाद ने मेरे साथ भलाई नहीं की औरत कहने लगी क्यों करती क्योंकि तुमने वाले बुरा सलूक किया था और मैं उसी दिन जान गई थी कि तुम माँ बाप के हकूक अदा नहीं करते इसलिए मैं डर गई कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होगा ये देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहा हो माँ बाप के साथ बुरा सलूक अल्लाह की नाफरमानी जिसे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मुमताज़ नकवी हैदरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए